बीबीसी हिंदी के इस विशेष इंटरव्यू में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। उनका नाम है जस्टिस मार्कंडे काटजू। काटजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी के स्टूडियोज आने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल आप फिर से न्यूज में हैं। बीसीसीआई, जो भारत की जो क्रिकेट बॉडी है, उसने आपको अपॉइंट किया है एज ए लीगल एडवाइजर, ताकि जस्टिस लोधा कमेटी, जिसने तमाम तरह के बीसीसीआई में सुधारों की, रिफॉर्म्स की बात कही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया है, आखिर बीसीसीआई क्यों आई आपके पास? देखिए, बीसीसीआई क्यों आई, वो तो बीसीसीआई से आप पूछिए। जहाँ तक ये विचार है कि बीसीसीआई में गड़बड़ियाँ हैं, हो सकती हैं, कई जगह कई क्षेत्रों में गड़बड़ियाँ हैं, कानून के क्षेत्र में गड़बड़ियाँ हैं, कई जजेस भ्रष्ट हो गए हैं, बहुत विलंब करते हैं फैसले देने में, आपकी मीडिया क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, बड़े कंप्लेंट्स हैं पेड न्यूज़ के बारे में इत्यादि। इस गड़बड़ियाँ दूर करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि गड़बड़ियाँ दूर करने के चक्कर में क्या आप कानून को ताक में रख देंगे, संविधान को ताक में रख देंगे? ये मेरी मुख्य आपत्ति है। अब देखिए, क्या क्या गड़बड़ियाँ किया हैं सुप्रीम कोर्ट ने और लोधा कमेटी। पहले तो ये समझिए कि हमें हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अलग अलग क्षेत्र हैं। कानून बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है। अगर हाँ, कोई कानून बनाया है विधायिका ने, तो न्यायपालिका उसको एनफोर्स कर सकती है, मगर न्यायपालिका खुद कानून नहीं बना सकती है। यहाँ तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है 18 जुलाई 2016 का, उससे तो कानून बना दिया उन्होंने, लोधा कमेटी की सिफारिशों को कह दिया कि वो इम्प्लीमेंट हो। ये डायरेक्शन देना कि इनको इन्फोर्स किया जाए, ये बिल्कुल इलीगल काम किया है। देखिए, कुछ सिफारिशें सही हो सकती हैं, मगर कुछ सिफारिशें मुझे लगता है गलत भी हैं। जैसे 70 साल का एज कैप, ये इसकी क्या ज़रूरत है? कई जो अनुभवी लोग हैं 70 साल से ज़्यादा हो गए, क्यों हटाया जाए? तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कुछ कंप्लेंट हो अगेंस्ट सम सोसाइटी लाइक बीसीसीआई, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज अंडर दैट एक्ट, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाए कि कंप्लेंट सही है तो दंड दे सकता है, यहाँ तक कि उस सोसाइटी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये लोधा कमेटी या जुडिशरी ये काम कैसे कर सकती है? यहाँ तो लोधा कमेटी ने पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इस तरीके से उन्होंने तमाम, इन्हें बिल्कुल रूल्स ऑफ सोसाइटी चेंज कर दिए, जो सोसाइटी ही कर सकती थी। तो यानी कि जजमेंट दे दिया इन वायलेशन ऑफ लॉ। क्या कोई जज फैसला दे सकता है कानून को तोड़ के? ये बिल्कुल अनुचित चीज है। बीसीसीआई जो है वो, आप तो बीसीसीआई के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं। आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेरी राय मांगी, मैंने राय दी, लेकिन बीसीसीआई अब आपकी लगता है राय भी नहीं मान रहा है। आपने बीसीसीआई से कहा था कि आप साहब उनके पास मत जाइए कल वाली मीटिंग नहीं में। वो बाद में उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा, मैंने कहा ऐसा है, आप चले जाइए, मगर कह दीजिए कि देखिए हम रिव्यू में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। मुझे सेक्रेटरी बीसीसीआई मिस्टर शिर्के ने बताया कि शायद उन्होंने कहा अक्टूबर तक इम्प्लीमेंट करिए सब कुछ के, तब तक टाइम मिल गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में जाएंगे। यानी ये जो इधर टेंडेंसी आ गई है कुछ जजेस में पॉपुलिस्ट होने की, पॉपुलैरिटी सीकर्स की, तालियां बजे, वाह क्या हुआ, छक्का मारा है, खूब बीसीसीआई को हमने फिक्सअप कर दिया, ये बड़ी गलत चीज़ है। जजेस शुड नॉट बी पॉपुलैरिटी सीकर्स। लोधा कमेटी अपनी पॉपुलैरिटी सीकिंग कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? कि कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है। आपत्ति है कि ये गड़बड़ियाँ हटाने के चक्कर में आप संविधान को ताक में रख देंगे, कानून को ताक में रख देंगे। अब जैसे उन्होंने एक डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लोधा कमेटी विल इम्पोज पनिशमेंट ऑन एसोसिएशन एंड इंडिविजुअल्स, ये आउटसोर्सिंग ऑफ पावर ऑफ पनिशमेंट है। पनिशमेंट की पावर सिर्फ कोर्ट को होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि कोई अगर जुर्म हुआ है तो हम सजा नहीं देंगे, हम ये पावर दे रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी को, कि कोई मर्डर हुआ तो म्यूनिसिपैलिटी कैन इम्पोज डेथ सेंटेंस, या कोई प्राइवेट बॉडी के, दे कैन नॉट आउटसोर्स जुडिशियल पावर, ये मगर यहाँ कर दिया। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये इस तरह की बातें लेजिस्लेचर से आई होती, तो आप क्या जो बीसीसीआई के क्लीनअप की बात हो रही है उसका सपोर्ट करते?
क्यों नहीं ठाकुर साहब बीसीसीआई ट्रीटमेंट न्यायपालिका को देते हैं? और कितने 20-25 साल लग रहे हैं एक केस डिसाइड करने में? जनता रो रही है कि कहाँ फंस गए, अगर एक कोर्ट में केस जाता है उसका इलाज करें, उसका उस पर ठाकुर साहब का ध्यान नहीं है। अपने घर को नहीं सफाई करोगे दूसरे के घर में? सब जगह होने चाहिए, मुझे कोई आपत्ति, मगर कानूनन संवैधानिक तरीके से। मगर कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो जाती है जब भी आप कुछ करते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे आप उदाहरण के लिए, मैंने कहा बीफ खाना में कोई मैं बुरी बात नहीं मानता हूं। जी। दुनिया बीफ खाती है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। अच्छा, मैंने ये कह दिया, अब लोग लगे चिल्लाने, आप अब बताइए कॉन्ट्रोवर्सी क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं? मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ कि आप बीफ खाइए, मगर जैसे केरला में खाते हैं, गोवा में खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खाते, जिसको खाना खाए नहीं, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपने काउस पे भी बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। यही तो दिया मैंने, मैंने कहा कि काउस, गाय जो है वो माता कैसे हो सकती, कोई जानवर माता हो सकती है? इंसान की मूर्खता की बात, काऊ को मैं कुत्ता और घोड़े से फर्क नहीं समझता, ये जानवर है। माता माता, इसीलिए देश हमारा पिछड़ा है, जो गरीब है पिछड़ा, इसी वजह से पिछड़े, तुम्हारा दिमाग पिछड़ा है। और मैं बात कहता हूँ उसके, देखिए हर बात का मैं तर्क देता हूँ, आप तर्क कंसिडर करिए, आपको गलत तर्क लगे तो बताइए। ये क्या कि साहब कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना, मैंने मैं बोलूँ नहीं, दिक्कत है कि आप बोलेंगे नहीं, है ना? मैं तो बोलूँगा, जब मैं देख रहा हूँ मेरा देश बर्बाद हो रहा है, कितनी गड़बड़ियाँ हैं, तो मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, तो बोलता हूँ तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो क्या करूँ, ना बोलूँ, चुप लगाऊँ, मुँह में ताला लगा के बैठ जाऊँ? आपका, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर, बीसीसीआई वाले मामले पर फैसला नहीं दे सकती, लेजिस्लेचर का काम है। हाँ। अगर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट भारत की, वो आपके दिए बयानों को कंडेम करती है, आपने कहा कि साहब सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर फला फला एजेंट थे, पार्लियामेंट ने आपके इन बयानों को कंडेम किया, वहां पर आप पार्लियामेंट की बात मानते हैं बिना सोचे समझे? आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, नहीं कोई, कहीं पर पार्लियामेंट आपको, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, मुझे सिर्फ रेजोल्यूशन पास किया, बिना मेरे, मैंने क्या रीजन दे रहा हूँ उस पर चर्चा किए हुए, पास 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 पास, फादर ऑफ द नेशन की इंसल्ट, डर नहीं लगता? मेरे कोई डर भर नहीं लगता, मेरी एक जिंदगी है और 70 साल का हो गया, 2-4 साल जिंदगी रह गई है, अब किसी तरह गुजर जाइए, अब मुझे किस बात का डर? कभी आपको धमकी मिली है किसी से? कोई धमकी नहीं मिली, कभी नहीं। देखिए लोग अब्यूज तो करते हैं। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, मैंने कहा कि ये जो बुरका है ये इट इज नॉनसेंस, बिल्कुल हम्बक, पिछड़ेपन की निशानी, मैंने कहा ये शरिया पिछड़ेपन की निशानी, फिर भी 99% मुस्लिम मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर उन पे जुल्म हुआ तो पहली आवाज़ मारकंडे काजू की उठेगी, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ना हिंदू पे, गड़बड़ियाँ हिंदुओं में भी है, कास्ट सिस्टम, लुकिंग डाउन ऑन दलित्स एंड ऑल, और जो गड़बड़ियाँ इनमें, ट्रिपल तलाक, तलाक 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 करके घर से बाहर निकाल दो, मैंने कहा जो इसको सपोर्ट करते हैं वो जाहिल है। हमारे देश के लिए ज़रूरी है हम मॉडर्नाइज हों, हम इंडस्ट्रियलाइज हों, साइंटिफिक आइडियाज़ फैलें समाज में। पॉलिटिशियंस का क्या एम है? इलेक्शन जीतना, और इलेक्शन जीतने के लिए अक्सर उनको कास्ट या कम्युनल वोट बैंक को खुश रखना है, तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म तो सामंती विचार है ना, पिछड़ेपन के विचार हैं, और हमको देश को आगे ले जाना है, तो पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल अपोजिट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर जस्टिस मार्कंडेय काजू साहब, बीबीसी के स्टूडियोज आने में और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये खास पेशकश? अपने विचार, अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझको जाना है कहाँ के, तू ही सफर है आखिरी।